तो यहाँ पे जो गेम है इसका ये जो बेसिक इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल है, कुछ इस तरह से बिल्कुल बेसिक सा है। एक अपने जो भारतीय जवान सेना के जवान हैं उनको यहाँ पे रोल मॉडल के रूप में मतलब बताया हुआ है। और यहाँ पे जो मेन होम स्क्रीन है इसके ऊपर यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टोर आ रहा है, राइट में प्ले, और ऊपर कुछ सेटिंग के ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले सेटिंग में जाके देखेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम है, बैकग्राउंड वॉल्यूम है ये आ रही है। और यहाँ पे ग्राफिक की सेटिंग है वो इस समय मैंने वेरी हाई पे कर रखी है, इसको अल्ट्रा पे भी चला सकते हैं, आपके मोबाइल की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सेंसिटिविटी का ऑप्शन है, नीचे एम सेंसिटिविटी है, और यहाँ पे नीचे की साइड कुछ प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड इन कॉन्टैक्ट अस इस टाइप से कुछ चीज़ें दी हुई है। यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है, एक सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, बैक का ऑप्शन दिया हुआ है। वापस सेटिंग में प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ प्लस का साइन दिया हुआ है। इस प्लस के साइन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ टोकन्स आ रहे हैं जिनके अलग अलग प्राइस है, और नीचे लिखा हुआ है कि भारत के वीर। तो उसमें ये लोग जितना भी अपने गेम के से जो भी इनका रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 20% ये इसमें डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जहाँ यहाँ पे कुछ टोकन है जो आके परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लोड आउट अपनी जो फौजी है उसका लुक को यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको इक्विप कर रखा है हमने, कुछ आर्सेनल दे रखे हैं जिसके अंदर के बहुत सारे क्लब्स दिए हुए हैं, एक्स दी हुई है, पाइप दिए हुए हैं, और यहाँ पे फौजी कमांडर घोस्ट, कमांडर ढिल्लन, कमांडर विजय सिंह ये सब दिए हुए हैं। तो हाल फिलहाल तो यहाँ पे कोई गन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे टोकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नाम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक हॉनर रोड दिखाई हुई है जिसमें कि मतलब आपको शायद कुछ रिवॉर्ड्स हैं जो मिलेंगे। और यहाँ पे कमांडर अग्नि अनलॉक होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्रोध पाइप मिलेगी, बहुत सारी ये अलग चीज़ें। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखें स्पाइस स्पाइस करके नाम से एक जो कि एक्सक्लूसिव फौजी मर्चेंडाइज का एक पार्ट या ऑप्शन है वो दिया हुआ है। तो जहाँ पे आप साइन अप करके जो एक्सट्रीम एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज हैं वो यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आप प्ले करते हैं तो यहाँ पे तीन सेक्शन आते हैं, एक तो ये है कैंपेन जिसमें है टेल्स फ्रॉम द गलवान वैली, दूसरा है टीम डेथ मैच जिसमें नीचे लिखा हुआ है 5 vs 5। तो होप्स हो यहाँ पे पांच पांच लोगों की दो टीमें बनाई जाएंगी और उनके बीच आपस में मैच होगा। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे फ्री फॉर ऑल, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, मतलब ये इस टाइप से वार जोन टाइप का लग रहा है जो कि जैसे पबजी में आया करते थे, मतलब 50 लोग हैं वो एक साथ कूद गए एक वॉर सेक्टर में, उस टाइप से कुछ हो सकता है लग रहा हो। या मैं मेरी अजम्पशन बता रहा हूँ, बाकी जब ये दोनों अपडेट आती हैं तब हम देखेंगे कि आखिर किस टाइप से ये गेम है आगे ग्रोथ करता है। हाल फिलहाल तो ये जो बेसिक स्टार्टिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा लॉन्च मैं कहूँगा। अब यहाँ पे ये इंट्रो आ जाता है, इसको हम हाल फिलहाल स्किप कर देते हैं क्योंकि पूरे गेम प्ले के लिए आप मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे इसके बेसिक की बात करें तो इसकी जो सेंसिटिविटी है थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे इशू लगा, बाकी ग्राफिक्स के लेवल में देखें तो ग्राफिक काफ़ी बढ़िया है। गेम जैसे इनिशियल गेम के लिए ग्राफिक काफ़ी बढ़िया है, और अभी इसमें कितने कुछ फंक्शन वगैरह दिए हुए नहीं, बस आप यहाँ पे सीधा ये कर सकते हैं और सीधा यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, गार्ड कर सकते हैं। गार्ड का बटन इतना काम नहीं करता है, मतलब ड्यूरिंग फाइट बहुत ही वीक लगा मुझे ये थोड़ा सा पॉइंट। और यहाँ पे चेक पॉइंट शो कर रहा है सामने तो एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं आती, यहाँ पे कोई मैप भी नहीं आ रहा है, तो एक मैप भी यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्या कि ये चेक पॉइंट किस साइड है। हाल फिलहाल तो जैसे रास्ता सीधा सीधा नज़र आ रहा है तो वो बात है, और बाकी ग्राफिक काफ़ी बढ़िया लगे मुझे गेम के, स्टोरी लाइन काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे गेम को सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता हाल फिलहाल तो, जैसे कि एक ही मोड ऑन है। यहाँ पे जैसे इसको पॉज करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें कि है रिस्टार्ट है, ऑडियो ऑन है, मेन मेन्यू है, ट्यूटोरियल है, ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर वापस वही आ जाता है। कुल मिला के इस टाइप से कुछ इसका जो इंटरफेस है वो है इस फौजी गेम का। तो ये जो फौजी गेम था इसकी अनाउंसमेंट उस टाइम हुई थी जबकि मतलब जो पबजी है उसका इंडिया में बैन लगा दिया गया था, तो इस गेम का काफ़ी ज़्यादा वेट किया जा रहा था। और आज फाइनली जैसे 26 जनवरी को इसका अनाउंस किया गया था तो इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो अभी यहाँ पर लॉन्च हो चुका है और उसका हमने गेम प्ले वीडियो भी बनाया है। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो यहाँ पे शेयर करूँगा। किसी गेम को डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा तो पैसा लगता है, बहुत सारी मैन पावर लगती है और बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है एक गेम को डेवलप करना। तो उस लिहाजे से जो एनकोर गेम्स है उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया है। मैं एक इंडियन कंपनी के मतलब इंडियन जो गेम डेवलपर हैं लिहाजे से मतलब देखूँ तो ये गेम काफ़ी पोटेंशियल रखता है। अभी आप मत जाइए क्योंकि इसका हो सकता है इनका फर्स्ट वर्जन है, हो सकता है ये कंपनी इसको अपडेट करे क्या ना करे।
लेकिन जो फर्स्ट इम्प्रेशन है काफ़ी बढ़िया रहा। हालांकि बहुत ही छोटा सा गेम प्ले बनाया है इन्होंने, 24 मिनट के अराउंड इन्होंने उसमें टाइम दिया है, और इन्होंने एक स्टोरी बनाई है कि वह आपको मतलब चार चेक पॉइंट है वो अभी क्रॉस करनी है, और उसमें कुछ खास अभी है नहीं, लाइक आपको सीधा जाना है और एक ही एक रिपीटेटिव जो मोमेंट्स हैं, रिपीटेटिव जो मोमेंट्स हैं वो करने हैं, मतलब आपको हाथों के थ्रू फाइट करना है, और साथ में आपको बीच बीच में क्लब्स मिलते रहेंगे, और जो चेक पॉइंट थर्ड और फोर्थ है उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अभी तक तो जैसे कि मैं आज इस मैंने उसको तीन चार बार खेलने की कोशिश करी तो मैं अभी तक इस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो इसकी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया थी। अभी इन्होंने बीच में अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तीन मोड हैं, जो कि दो मोड हैं वो अपकमिंग है और एक मोड यहाँ पे आ चुका है, तो जो आने वाले दो मोड हैं उनमें काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि जो मेन गेम है जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे थे शायद वो उसमें से थर्ड नंबर का जो मुझे लग रहा है वो वाला गेम है, जिसमें कि सभी फ्री तरीके से गेम खेल सकेंगे और ऑनलाइन गेमिंग होगी सेकेंड और थर्ड वाले जो ऑप्शन है शायद उसमें। इस गेम की सबसे बड़ी बात है कि जो इसके थ्रू जितनी भी अर्निंग होने वाली है वो 20% भारत के वीर जो फाउंडेशन है उसको डोनेट की जाएगी। और इस गेम के जो इनिशियल रिव्यू है आप प्ले स्टोर पर जाके देखेंगे तो अराउंड बहुत ज़्यादा तो डाउनलोड हो चुका है, और इसके जो रेटिंग आई है वो अभी अराउंड 4.1 के अराउंड चल रही है, और जो लोगों ने यहाँ पे रिव्यू दिया है उसमें साफ लिखा है सभी लोगों, मैक्सिमम लोगों ने, कि ड्यूरिंग दिस इस गेम को खेलते समय जो इसका म्यूजिक और जिसके साउंड इफेक्ट हैं उनके कारण गूज़बम्प्स आ जाते हैं। तो आप भी प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए, और जो इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे थे सब लोग वो गेम आखिर आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करके आप भी उसको फील कीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, यहाँ पे जितने भी ओपिनियन थी मेरे पर्सनल ओपिनियन थी, अगर आप में किसी को बुरा लगा तो मैं तहे दिल से सॉरी चाहूँगा। बाकी जो डेवलपर्स हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने काफ़ी एक प्लान वे से इसको गेम को धीरे धीरे प्रोग्रेस करके और फील्ड में ले गए, बहुत ही अच्छा लगा। और इन फ्यूचर हम लोग वेट करेंगे कि आप इसमें जो हम लोग सोच रहे हैं वो सारा फ्लेवर इसमें डाल दें, और एक परफेक्ट इंडियन मतलब गेम हो जाए तो लोग बाग शायद हो सकता है कि पबजी को भूल के इस साइड भूल कर इस तरफ आ जाए। क्या पबजी से अभी इसकी कंपैरिजन नहीं करी जा सकती, इन फ्यूचर देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।